चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं और झूठ का ही कह करके ये धोखा दे करके सरकार चला रहे हैं। देश की कोई उन्नति इससे नहीं है। मोदी जी संशोधन में इन्होंने इनका भाषण मैंने सुना था तो हमें भी अच्छा लगा था कि भाई ये आदमी कुछ काम करेगा, लेकिन इसने तो मड़ा फेर दिया, कतई हमारी संस्कृति को जो है बिस्मिल कर दिया। और जितने ये अवैध काम है ना मंदिर, इनको जो है ऊपर उठा दिया सब जगह। क्या उम्मीद थी आपको कि भाई किसानों के हित में ये काम हो सकते हैं? इसमें निधि में भी बता रहे थे यार, किसान सम्मान निधि में भी बढ़ोतरी कह रहे थे, होगी हुई नहीं। वो गन्ने का भाव तो बढ़ेगा लेकिन 10-20 रुपए और बढ़ जाता वो और अच्छा होता। प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट करता फिर नीचे के लोग दूसरे ढंग से चले, क्या कोई सुधार हो ही नहीं सकता इतने काम का। किसान हो चाहे गरीब तबका हो, इतने खुशहाल नहीं हो, इतना चाहे 100 प्रधानमंत्री आ जाइए। सीसी में आप सभी का स्वागत है। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और मोदी सरकार 2.0 का कल आखिरी बजट पेश हुआ है। हम अभी कैराना लोकसभा सीट के गांव एलनम में हैं। गांव एलनम में हम जो है गाँव के लोगों के बीच हैं, गाँव के लोगों से बात करेंगे क्योंकि कल हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, तो उस बारे में हम किसानों से बात करेंगे कि क्या लगता है इस बजट से उनको कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। जी, आपका नाम? अजय पाल सिंह। तो क्या लगता है किसानों के हित में किस तरीके से लगता है आपको कि भाई कुछ फ़ायदा होगा किसानों का? भाई जहाँ तक किसानों की बात है, इस गवर्नमेंट ने मतलब किसान के हित में तो बजट इसके विपरीत ही है, इसे कोई फ़ायदा आज तक नहीं मिला। इन्हीं की बात नहीं, बहुत पहले से जब से देश आज़ाद हुआ है तो किसान की तो अनदेखी की है सभी सरकारों ने। और जब तक इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इस पर मतलब सोचा नहीं जाएगा, उत्थान नहीं किया जाएगा किसान का, तब तक हमारा जो देश का नागरिक है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो उन्नति नहीं कर सकता। क्योंकि किसान ही एक मजबूत एक स्तंभ है जो सब मनुष्यों का उदर पूर्ति करता है। सारा मामला यहीं से मिलता है उसको, जो खेती है यदि न हो तो सारा देश भूखा मर जाए, ठीक है ना। तो हम तो ये चाहते हैं कि जब तक इसके हित में बजट अच्छा नहीं होगा, इनको उत्थान नहीं दिया जाएगा, इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाएगा सरकार के द्वारा, तब तक जो है देश जो है तरक्की नहीं कर सकता। आपको क्या उम्मीद नज़र आ रही थी कि भाई अगर कल बजट पेश हुआ है, आपको क्या उम्मीद थी कि भाई हमारे हित में किसानों के हित में ये काम होना चाहिए था? भाई हमें तो ये उम्मीद थी कि ये सरकार जो है संशोधन से काबिज है, लेकिन इसका एक भी कार्य समाज के हित में नहीं है। सब अपने स्वार्थ में ये काम करते हैं, जैसे सरकारी खजाने से अनाज देना, ये करना, इस तरह की बातें जो चलाना, ये मकान बनवाना, इनसे कोई जो है मनुष्य की तरक्की नहीं हो सकती। मनुष्य को जो को रोज़गार दिया जाए उसके उत्थान के लिए, उसको शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यदि हम अपने नागरिक को मतलब शिक्षित कर देंगे वेद आधारित, जो सबके लिए एक है, ईश्वरीय व्यवस्था के आधार पर है, तो उससे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और ऐसे नहीं होने की, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं और झूठ का ही कह करके ये धोखा दे करके सरकार चला रहे हैं। देश की कोई उन्नति इससे नहीं है। आजकल जो है हमारे देश के ऊपर 1,37,00,000 ने ऐसा है बजट, वो कर्ज है हमारे ऊपर। और जो उसका आंकलन करें, उसको एक एक व्यक्ति पर लाया जाए तो प्रति व्यक्ति 1,00,000 रुपए का कर्ज बंद है आज। तो बताओ तरक्की कैसे होगी, कहाँ से देंगे? सारा सरकारी खजाना खाली हो रहा, कोई नौकरी नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, बस ये सड़क बना रही, इसमें एक्सीडेंट हो रहे, पता नहीं कितनी जनता जो है बेसमय मतलब यहाँ मर रही है, कुछ नहीं, इससे कोई लाभ नहीं है। महर्षि दानजी महाराज एक समाज को आईना दे करके गए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे देश में जब तक ये मूर्ति पूजा रहेगी मनुष्य मात्र कभी सुखी नहीं रह सकता। आज वही हो रहा है, कितना उत्थान दे रहा है मंदिरों को, नहीं ये कोई खाने को देंगे हमें, कुछ नहीं देंगे, कितना पैसा वहाँ व्यय हो रहा है, अपव्यय हो रहा है हमारे धन का, हमारी जो करेंसी है उसका अपव्यय हो रहा है। मोदी जी संशोधन में इन्होंने इनका भाषण मैंने सुना था तो हमें भी अच्छा लगा था कि भाई ये आदमी कुछ काम करेगा, लेकिन इसने तो मड़ा फेर दिया, कतई हमारी संस्कृति को जो है बिस्मिल कर दिया। और जितने ये अवैध काम है ना मंदिर, इनको जो है ऊपर उठा दिया सब जगह।
तो भाई मैं तो यही कहता हूँ, मैं इससे खुश नहीं हूँ। क्या उम्मीद थी आपको कि भाई किसानों के हित में ये काम हो सकते हैं? इसमें निधि में भी बताए थे यार, किसान सम्मान निधि में भी बढ़ोतरी कह रहे थे होगी, हुई नहीं। वो गन्ने का भाव तो बढ़ेगा लेकिन 10-20 रुपए और बढ़ जाता वो और अच्छा होता। अच्छा देखा जाए, किसान कृषि प्रधान देश है और सबसे कम बजट किसानों को ही दिया जा रहा, क्या मानसिकता इसके पीछे आपको लगता है? भाई तो नहीं पता होगा सरकार वालों को, यूँ तो काफ़ी और चीज़ तो बहुत होगी, बिजली फ्री होगी, इसका भी बड़ा वो है, एक रात को नहीं जाना पड़ता किसान को, बस थोड़ा सा और यूँ करने का भाव बढ़ जाए 10-20 रुपये इसमें और अच्छा रहेगा, ना फायदे मिलता, और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी ना, एक तरफ ही आ जाता मामला। अरब भाई यहाँ तो हमारी सीट पर तो ज़्यादा कोई भाजपा ही है, देखो और जगह क्या है क्या। सुरेंद्र जी कल बजट आया है तो क्या लगता है किसान किस तरीके से? किसान विरोधी है, लिख लो सरमाएदारों की सरकार है भाई। रैया 90% लोग गांव से जुड़ रहे, गांव को क्या सहूलियत दी बजट में किसी भी तरह की? रही लाइट की, लाइट वहां से फ्री बताऊं हैं, यहाँ कर्मचारी लोग उल्टे सीधे कागज भेज कर नंबर दो का काम कर रहे हैं सारे, इसमें क्या सहूलियत है? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट करता फिर नीचे के लोग दूसरे ढंग से चले, क्या कोई सुधार हो ही नहीं सकता इतने काम का? किसान हो चाहे गरीब तबका हो, इतने खुशहाल नहीं हो, इतना चाहे 100 प्रधानमंत्री आ जाइए, कुछ भी नहीं होने का, और इससे ज़्यादा क्या कह सके मैं।